हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी में। मेरा नाम है इमरान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई भी हार्ड डिस्क जो है हमारी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो जो है स्लोली वर्क करती है या फिर उसमें कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि आप उसको ऑन करते हो, उसमें कुछ फोल्डर एक्सेस करते हो तो क्या है वो हैंग होने लगती है। तो मेरी भी हार्ड डिस्क है सीगेट की, 2 TB का बैराकुडा वर्शन वाला, ये देख सकते हैं आप, सीगेट वाला हार्ड डिस्क है 2 TB का। तो ये जो है मैंने लेकर इसको लगभग 4 साल होने को आ रहे हैं, तो ये अभी जाकर क्या है जब हम इसको चलाते हैं, हार्ड डिस्क को रन करते हैं, इसमें कुछ फोल्डर एक्सेस करते हैं, कुछ वर्क इस पर कॉपी या पेस्ट करते हैं, तो क्या है पूरा कंप्यूटर लैग होने में लगता है इस हार्ड डिस्क की वजह से। अगर हार्ड डिस्क मैं निकाल देता हूँ तो कंप्यूटर ठीक ठाक काम करता है, अगर इसको लगा के इसमें से कुछ फोल्डर्स एक्सेस करते हैं, इस पर कुछ वर्क करते हैं, तो क्या होता है इसके वजह से जो है सारा कंप्यूटर लैग होने लगता है, हैंग होता है, वर्क जो है रुक जाता है, और जिस भी फोल्डर पे आप क्लिक करते हैं हम तो वो जो है हैंग होके रह जाता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है हार्ड डिस्क में आ रहा है, तो इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इसमें क्या है ना, बोर्ड की वजह से प्रॉब्लम होता है, तो इसमें इतने साल से यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें धूल वगैरह जम गई होगी, तो इसको हम ओपन करेंगे, देखेंगे क्या है प्रॉब्लम और बोर्ड को क्लीन करके देखेंगे, उसके बाद जो है शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ये कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा ही होता है, तो बड़ा समझकर क्या है टेक्नीशियंस के पास जाते हैं या फिर इस जो कंपनी की हार्ड डिस्क है उसके पास जाते हैं, तो वो हज़ारों हमसे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आज देखेंगे इसको किस तरह से हम रिपेयर करते हैं। तो इंटरनल हार्ड डिस्क हो या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, दोनों के लिए सेम सिचुएशन आती है दोस्तों, आपको बस बोर्ड को क्लीन करना पड़ता है। अगर आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है तो उसके ऊपर जो है ना एक को ओपन करना पड़ता है सॉकेट को, उसको ओपन करने के बाद उसके अंदर जो है इस तरह के ही हार्ड डिस्क होती है, छोटी साइज की होती है जो कि लैपटॉप में डलती है, तो उसमें भी सभी में जो है इस तरीके का एक PCB होता है, बोर्ड होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप ग्रीन कलर का बोर्ड, इसमें स्क्रूज लगे हुए, तो इसको ओपन करके हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको हम ठीक करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास है ये सीगेट का 2 TB वाला बैराकुडा मॉडल का हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क है। इसको हम क्या करेंगे अभी क्लीन करेंगे, देखिए इसके सामने वाले स्क्रूज को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है, पीछे पलटा ले इस हार्ड ड्राइव को, यहाँ पे देख सकते हैं ये PCB है, तो इसमें स्क्रूज लगे हुए होते हैं, सारे स्क्रूज को खोल लेना पड़ता है। तो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसको मैं सारे स्क्रूज उसको खोल देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हार्ड डिस्क को कुछ भी करना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इसका PCB है, ओके जी। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, आप देख सकेंगे शायद से, यहाँ पे जो है बहुत सारी धूल मिट्टी जम के पड़ी है, तो जो धूल है इसमें हम पोंछ देंगे, और यहाँ पे भी धूल वगैरह है, तो इसको क्या करेंगे हम ब्रश से क्लीन कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्रश मैंने ले लिया है, तो ब्रश से क्या करेंगे हम इसको क्लीन कर लेंगे इस धूल को। तो ब्रश से क्या है हल्के से इसको हमें क्लीन कर लेना है, और यहाँ देख सकते हैं आप ये कनेक्टर है, यहाँ पे भी जो है हमें ब्रश से क्लीन कर लेंगे इसको भी अच्छे से, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके कौन से कनेक्टर कहाँ पे लगते हैं। तो बोर्ड में हम यहाँ देख सकते हैं ये जो वाले आपको ये जो कनेक्टर्स दिख रहे हैं, इसी से डेटा जो है रीड होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कनेक्टर से जो के ये कनेक्टर से, ओके, तो ये कनेक्टर्स इस पे अटैच होते हैं, यहाँ पे इस लाइन जो दिख रही है आपको दोनों लाइंस, तो इस पे अटैच होते हैं। उसके बाद जब हम इसमें पावर और SATA कनेक्टर्स यहाँ पे लगाते हैं तो इसमें से डेटा रीड होता है इसमें से, और इसमें से पावर सप्लाई आती है। तो ये पावर सप्लाई जो है यहाँ से स्पिंडल मोटर को पावर सप्लाई होता है, और यहाँ से लेकर स्पिंडल मोटर रन होता है, और यहाँ से डेटा रीड होकर हमारे कंप्यूटर में दिखाता है। तो इसी के कारण अगर इसमें मान लो यहाँ पे धूल मिट्टी कुछ जम गई है, या फिर इस वाले
सिरे पर कुछ धूल है तो सीधे तरीके से यह रीड नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है, ये रीडिंग और राइटिंग करने में दिक्कत होती है और कंप्यूटर को हैंग करने लगता है। तो इसीलिए क्या करना है, इरेजर लेकर इसको हमें क्लीन कर लेना है। अभी फ़िलहाल मेरे पास इरेजर नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यह स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा लाइटली इसको इस तरीके से घिस दूँगा। इस तरीके से हम घिस देंगे। आप ज़्यादा मत कीजिए, आप इरेजर लीजिए, इरेजर लेकर इस पर थोड़ा लाइटली क्या है रफ़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और ये जो कनेक्टर से इस पर भी हम इरेजर से ठीक इसी तरह से रफ़ करेंगे। देखिए इसी तरह, और ये पावर कनेक्टर जो है इस पर भी हम इरेजर से कुछ इस तरीके से रफ करेंगे ताकि पावर में भी जो है इसमें रुकावट ना आए। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोर्ड को जो है धूल वगैरह थी तो उसको भी क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है ये इस कनेक्टर पे भी आप इरेजर लेकर अच्छे से रफ़ कर दें। ज़्यादा ताकत डालने की ज़रूरत नहीं है, टूट भी सकता है, हल्के हाथों से इसको करना है। इस तरीके से हो गया, तो अभी जो है इसको रफ़ कर दिया, सब कुछ पूछ दिया है। तो अभी वापस से हम इसको फिट कर देंगे और अपने सिस्टम में लगा के देखेंगे प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं है। तो इसके जितने भी स्क्रूज है वापस से लगा देते हैं। तो देख सकते हैं आप, वापस से जो है इसके स्क्रूज को हल्के हाथों से लगा दे। ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पीसीबी अगर डैमेज होती है तो दोबारा पीसीबी मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो सर्विस सेंटर को ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अच्छे से इसको प्रॉपरली क्लीन करना है और नीटली इसको फिर से लगा देना है। तो यहाँ उबड़ खाबड़ दिख रहा है मुझे, किस वजह से इसके ये जो हीट सिंक यहाँ लगा हुआ है इस वजह से जो है ये ठीक से लग बैठ नहीं रहा है। तो हम इसको ठीक से बैठाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो पीसीबी डैमेज हो सकता है। तो ये हाँ अभी ठीक से बैठ गया है। तो ये प्रॉपरली अच्छे से लगा लिया हमने, करने वाली बात नहीं, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे धूल जमी हुई है तो इसको थोड़ा सा पाक कर देते हैं। तो ये हो गया जी पाक, सब कुछ ठीक है। अभी बस इतना ही करना था, इसको अब हम अपने कंप्यूटर में लगाएंगे और देखेंगे कि ये हैंग होता है सिस्टम या नहीं है, क्या है बोल के इसको लगाने के बाद हम देखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर में लगा लेते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हैंग हो रहा है पहले की तरह या फिर कुछ इसमें बदलाव आया है, चलिए देखते हैं। तो अभी हम देखिए हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा पावर केबल है और ये हमारा साटा केबल, ठीक है जी। तो साटा केबल को मैं यहाँ ठीक से इसमें से निकाल के इसमें दूसरे कनेक्टर में लगा देता हूँ। और ये देखिए साटा कनेक्टर, यहाँ पे जो छोटा वाला कनेक्टर दिख रहा है आपको, दो कनेक्टर है, एक तो बड़ा है एक छोटा है, और छोटे में जो है ये साटा कनेक्टर ये जो है ये लगेगा इस तरीके से, और बड़े वाले में जो है ये पावर साटा कनेक्टर है तो इसको लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से लगाने के बाद हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं। तो ये ठीक से लग गया, ओके। तो अभी जो है मैं अपने कंप्यूटर को ऑन कर देता हूँ और ये देखिए ऑन हो गया है। तो अभी हम बूट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए HD 2 TB का हार्ड डिस्क तो ओके है और यहाँ पे कंप्यूटर भी ऑन हो चुका है। तो इसको हम पासवर्ड डाल के ओपन कर देते हैं। तो अभी देख सकते हैं कंप्यूटर जो है पूरे तरीके से बूट हो चुका है। और यहाँ पे हम PC में जाते हैं और देखिए यहाँ पे ये SSD है दोनों, और ये जो है इंटरनल हार्ड डिस्क जो है अभी मैंने लगाया है 2 TB का। देखिए यहाँ पे स्टोरेज दिखा रहा है 1.81 TB और 91 GB फ्री है। तो इसको ओपन करते हैं। उसके बाद देखिए ये
एक इमेज है यहाँ पे, इसको मैं ओपन करूँगा ना तो पहले क्या है हैंग होता था, अभी देखते हैं। ये फटाक से ओपन हो गया है, ओके। और अभी ये ओपन हो चुका है, ओके। तो अभी देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे है इसको कॉपी करूँगा वीडियो को और यहाँ पेस्ट करके देखूँगा। तो ऐसे पेस्ट करने पर ओह माय गॉड, ये देखिए पहली वाली स्पीड आ गई भैया। पहले ना ऐसे डालने से बताता था 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तो घंटे बढ़ते रहते थे। ये देखिए अभी फटाक से जो है कॉपी हो चुका है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो डिलीट भी करके देखते। ओके भाई भैया, ओके। तो यही है इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा। इसको लेकर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब कर लें। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।